बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको तिरामिसू बनाने की रेसिपी दूंगी। तिरामिसू बेसिकली इटालियन डेजर्ट है। इसका मतलब है टू पुल मी या पिक मी अप। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड पॉपुलर डेजर्ट है। जो डेजर्ट लवर्स हैं या कॉफी लवर्स हैं, उनको ये डेजर्ट बहुत ही पसंद आएगा। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए लेडी फिंगर्स बिस्किट्स, जिसे सावार्दी भी कहते हैं, 3 पैकेट्स, जिसमें 36 बिस्किट्स हैं, और 2 साशे वनीला शुगर या 2 टीस्पून वनीला शुगर, मस्कारपोन 500 ग्राम, डबल क्रीम 250 मिलीलीटर, 4 अदद एग योक्स। याद रखिएगा, मैं सिर्फ एग योक का इस्तेमाल कर रही हूँ। कैस्टर शुगर 1 कप या तकरीबन 250 ग्राम कैस्टर शुगर चाहिए होगी, और दूध 1/2 लीटर या 2 कप, कॉफी 3 टीस्पून और 3 टेबलस्पून चीनी चाहिए होगी। ये मैं अलग से गर्म करके ठंडा कर लूंगी। बिस्किट्स को डिप करने के लिए और ऊपर स्प्रिंकल करने के लिए थोड़ा सा कोको पाउडर चाहिए होगा। सबसे पहले आप दूध गर्म करने के लिए रखें और साथ ही आप इसमें कॉफी और 3 टेबलस्पून चीनी भी डाल दें और इसको बॉईल कर लें। बॉयल आने पर आप इसे चूल्हे से उतार लें और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें। इसके बाद आप एग योक्स को बीट कर लें। बीट करने के बाद आप इसमें कैस्टर शुगर और वनीला शुगर डाल दें और अच्छी तरह से फिर बीट कर लें। अच्छी तरह बीट करने के बाद आप इसमें मस्कारपोन डाल दें और फिर अच्छी तरह से बीट कर लें। मस्कारपोन को बीट करने के बाद आप इसमें डबल क्रीम डाल दें और फिर दोबारा बीट कर लें। अच्छी तरह बीट करने के बाद आप एक बर्तन ले लें तिरामिसू की तहें बिछाने के लिए। इसके बाद आप लेडी फिंगर्स बिस्किट्स को कॉफी और दूध में डिप कर लें। जब ये नरम पड़ जाए तो आप इसे हाथ से इस तरह दबाकर कॉफी और दूध निकाल दें। इस तरह से निकालकर आप बर्तन में इनको बिछा लें।
बिस्किट की इस तरह तह लगाने के बाद ऊपर आप आधी क्रीम डाल दें। और फिर इसे अच्छी तरह से फैला लें। क्रीम फैलाने के बाद आप दोबारा आप बिस्किट्स को डिप करके इसका फालतू दूध और काफी निकालकर एक और तह बिछा लें। बिस्किट्स की तह लगाने के बाद फिर ऊपर आप दोबारा क्रीम फैला दें। दो से तीन घंटे के लिए अब आप तिरामिसू को फ्रीजर में रखकर ठंडा कर लें। तीन घंटे फ्रीजर में रखकर ठंडा करने के बाद आप कोको पाउडर को छलनी में डालकर तिरामिसू के ऊपर स्प्रिंकल कर दें। स्प्रिंकल करने के बाद आप इसके पीसेस काट लें और सर्विंग प्लेट में डाल लें। लीजिए, बहुत ही मजेदार तिरामिसू तैयार है। अगर आप छोटे कप्स में तिरामिसू बनाना चाहते हैं या अपनी मर्जी के किसी बर्तन में बनाना चाहते हैं तो आप इसी तरह से पहले बिस्किट की तह रख लीजिएगा और ऊपर क्रीम और फिर ऊपर बिस्किट और फिर क्रीम रखकर ऊपर आप कोको पाउडर को स्प्रिंकल कर दीजिएगा और जरूर बनाइएगा। और जाने से पहले एक बहुत ही खूबसूरत हदीस पाक शेयर करना चाहूंगी। हदीस पाक इस तरह से है, एक रोज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज तुम में से किसने रोजा रखा है? अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हों ने कहा, मैंने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज तुम में से किसने किसी जनाजा में शिरकत की है? अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हों ने कहा, मैंने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आज तुम में से किसने मिस्कीन को खाना खिलाया है? अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हों ने कहा, मैंने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या आज तुम में से किसी ने मरीज की इयादत की है? अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हों ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स में ये आदात जमा हो गई वो जन्नत में दाखिल हो गया। अल्लाह ताला हमें इस हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।